अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हंगरी ट्रैवलर। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले खैबर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर शकस में पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के मेहमान खसूसी आईजी केपी मौजिम जा अंसारी थे। लेवी ओ खासादार एहलकारों के चौथे बैच के 500 जवानों ने ट्रेनिंग मुकम्मल करके केपी पुलिस के दस्ते में शमूलियत अख्तियार कर ली। कबायली इजला के लेवी ओ खासादार जवानों के लिए पाक फौज से शुरू होने वाली ट्रेनिंग का सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में जम होने तक तसलसल से जारी है। इस तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी आईजी केपी का कहना था, शाकस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा करना, जवानों की पासिंग आउट देखना और आपके टर्नआउट का भी मुजाहरा करना, आप यकीन माने मेरे लिए ये एक इंतहाई खुशी और मुसर्रत का मौका है। ये ज़िला खैबर और ज़िला मोमंद के वो जवान जो अब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का हिस्सा बन चुके हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर फख्र कर और जिन पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस फख्र करती है, आज अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद पास आउट हो रहे हैं और अब इनका काम है अपनी अपनी तैनाती के मुकाम पर जाकर अपनी नई जिम्मेदारियां संभालना, आवाम को सर्विस डिलीवरी मुहैया करना। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस गाजियों की और शहीदों की पुलिस है। इस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मुल्क भर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नाम है, बहुत इज्जत है और इस वक्त मेरे सामने 500 जवान खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस में शामिल होने के बाद तैयार खड़े हुए हैं ताकि इस इज्जत में और इस वकार में मजीद इजाफा करें। मैंने आपको बताया गाजियों शहीदों की पुलिस है और जहां हमें ज़रूरत पड़ी इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए, इंशाअल्लाह हम अपना खून पसीना गिराने से दरेग नहीं करेंगे। इसी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अंदर आईजी से लेकर सिपाही तक तमाम लोगों ने जब ज़रूरत पड़ी अपना खून निछावर किया और आज आपने जो अहद किया, मेरे सामने आपने हलफ लिया, इंशाअल्लाह आप भी इस हलफ के ताबे रहेंगे, आप भी इस हलफ की इज्जत करेंगे और इस हलफ को आप पूरा करके साबित करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस में से एक बेहतरीन पुलिस है। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। मैं आप तमाम को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको इसी तरीके से इज्जत के साथ रखे। बहुत शुक्रिया। वतन अजीज से ओहदे वफा का हलफ लेने वाले इन जवानों ने शहीदों गाजियों की पुलिस फोर्स में शामिल होने पर फख्र का इजहार किया। हमारी यहाँ मौजूद पास आउट होने वाले जवानों से बात हुई, उनका क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम हजरत बिलाल है, ज़िला खैबर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं पहले लेविस फोर्स में, खैबर लेविस फोर्स में था, अभी हम कन्वर्ट हो गए केपी पुलिस में। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है क्योंकि हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हम ऐसे अजीमुशान पुलिस में जम हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह इसके मराहत भी हमें मिल रहे हैं, हमें उसकी फैसिलिटी जितनी भी है वो हमें मिल रही है, हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। पहले हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट खैबर में, खैबर हाउस में, जमरोद में ड्यूटी कर रहे थे, अभी हम या पुलिस लाइन में आए। हमारी ट्रेनिंग जो है अभी अख्ताम पजीर हुआ, बहुत उस मेहनत की उस्तादों ने भी, के पी उस्ताद, पुलिस की उस्तादों ने और डायरेक्टर साहब ने भी बहुत हिदायत की हमें, बहुत वो क्या है उसे कहते हैं मराहत दिए, हमारे ट्रेनिंग में आसानियाँ पैदा की और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ट्रेनिंग अख्ताम पजीर हुआ और हम पास आउट हो गए। वाजिद इकबाल, ज़िला मोमंद। अच्छा किया ना, वो खूबसूरत है, अफसर लोग भी अच्छा है ना, खूबसूरत निज़ाम भी है ना, अब सब कुछ अच्छा है, बहुत सीखा है ना,
ذہنی طور پر جسمانی طور پر اور ہم لوگ بس پولیس بنتے ہیں نا بہت بہت مبارک ہوں جی شکریہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا بہت خوبصورت دن ہے یہاں فاتح انضمام کے بعد یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ یہاں خیبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوا اور ہمارے بہت سے لوگوں نے تقریباً 500 سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں انہوں نے یہاں پاسنگ آؤٹ پریڈ حاصل کی تربیت اور ہمارا آئندہ لائے عمل ہوگا کہ ہم ملک اور قوم کی خدمت کریں اور جو ہم سے ہو سکے ہم ہر قربانی دے سکے اور ہر قربانی کے لیے انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضم اضلاع میں اب تک لیویو خاصدار کے 21,000 سے زائد جوانوں نے ٹریننگ مکمل کر کے باقاعدہ کے پی پولیس کے دستے میں شامل ہو چکے ہیں۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اے ارض وطن، آج بھی اپنا یہ عہد ہے، ہم حرف وفا خون سے تحریر کریں گے۔